राधा रानी की महिमा को धारण करो। हम सखियां कृष्ण के नहीं हैं, हम सखियां राधा रानी की हैं, और हमारी राधा रानी युगल हैं, वो बिहारणी हैं, वो हमेशा अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ बिहार करती हैं, इसलिए युगल उपासना हो गई। हमारी राधा रानी ना कुमारी है, ये युगल रूप में है। राधा रानी से कृष्ण प्रकट होते हैं, और गोलोक धाम में जो राधा रानी वो कृष्ण से प्रकट होती है। हमारी उपासना गोलोक धाम की न होकर के निकुंज वृंदावन की, जहां श्री कृष्ण राधा रानी से प्रकट होते हैं। कैसे? राधा रानी प्रेम की घनीभूत मूर्ति है, और भगवान कैसे प्रकट होते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। तो कहां से प्रकट होते हैं भगवान? प्रेम से प्रकट होते हैं, और प्रेम की घनीभूत मूर्ति देवी अधिष्ठात्री कौन है? तो कहां से प्रकट हुए हैं? राधा रानी से। कहते हैं जब राधा रानी से प्रकट हुए तो फिर राधा श्री कृष्ण तो पुत्र हो गए राधा रानी के, क्योंकि जिस स्त्री से हम पैदा हुए हैं वो स्त्री हमारी क्या लगती है? मां। तो सिर्फ श्री कृष्ण की क्या लगी राधा रानी? बोलो बोलो, मां लगी। अरे गर्भ से पैदा होंगे ना तब मां लगते, गर्भ से नहीं पैदा हुए, दिल में। श्री कृष्ण कहां बसते हैं? राधा रानी के हृदय में बसते हैं। तो कभी बिहार भीतर होता है और कभी बिहार बाहर हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं राधा रानी के हृदय से। तो ठाकुर जी का निवास कहां है? राधा रानी के हृदय में निवास है, तो हृदय से प्रकट होते हैं ठाकुर जी। राधा रानी के हृदय में बिहार करते हैं, तो हमारी किशोरी जी बिहारनी है। कभी ठाकुर जी को अपने अंदर समेट लेती है, और कभी बाहर प्रकट करके खेल करती है। और ये सखियां भी रात्रि को सब राधा रानी के अंदर समेट लेती है, राधा रानी सबको अपने भीतर मां भाव में लीन कर लेती हैं, और दिन में सखियों की तरह लीला चलती है। वहां हर सखी राधा रानी का ही स्वरूप है, उन्हीं में समा जाते हैं, उन्हीं से प्रकट हो जाती है। तो वहां तो केवल एक ही तत्व है, राधा तत्व। तो सखियां भी उन्हीं का स्वरूप है, तो श्री कृष्ण भी उन्हीं का ही स्वरूप है। तो एक ही तत्व राधा रानी, लेकिन एक तत्व में कभी भी प्रेम का खेल नहीं होते। इसलिए श्री जी दो भागों में, मूल तत्व तो प्रेम है, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, प्रेम ही भगवान है। तो प्रेम अर्थात राधा रानी ही कृष्ण बनी है अनादिकाल। तो हर रोज राधा रानी के अंदर कृष्ण समा जाते हैं, हर रोज बाहर प्रकट हो जाते हैं, कभी अंदर के खेल कभी बाहर के चलते रहते हैं। और श्री कृष्ण भी, उनके हृदय में राधा रानी बसी है, और कभी बाहर। एक दिन देवऋषि नारद जी आए प्रिया प्रीतम के दर्शन युगल के करने। दर्शन करते रहे करते रहे करते रहे, सखियों ने कहा हो गया ना दर्शन, अब जाइए। दर्शन हो गए, नारद जी ने कहा हो तो गए। अच्छा बताओ इनमें कौन प्रिया कौन प्रियतम, इनमें दोनों में कौन प्रिया है और कौन प्रियतम प्रियतम है? नारद जी कहते मैं कब से देख रहा हूं, यही निर्णय पे इस निर्णय पे नहीं पहुंच पाया कि इनमें प्रिया कौन है और प्रियतम कौन है। तो राधा कृष्ण बैठे हुए, तो बाम भाग में राधा नहीं दाएं भाग में कृष्ण है, लेकिन देखा तुरंत बाई तरफ कृष्ण है तो दाई तरफ राधा। फिर देखा ये बदलते रहे, निर्णय नहीं कर पाए कि दोनों में कौन तो कृष्ण है और कौन राधा। चलो भीतर झांक के पता चलते हैं भीतर से क्या है। तो भीतर झांका तो कृष्ण में झांका तो अंदर राधा, फिर राधा रानी में भीतर झांका तो अंदर कृष्ण। नारद जी निर्णय ही नहीं कर सके। तो सखियों ने बताया अनादि काल से हम इनकी दिन रात सेवा में रहती हैं, हम नहीं समझ पाए इन दोनों में कौन प्रिया कौन प्रियतम है, कौन राधा है कौन कृष्ण, हमको नहीं आज तक पहचान हुई।
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।